असलम एंड वेलकम टू एजुकेयर और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टी इनकम सो वील डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी इनकम फॉर इंडिजुअल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो इंडिजुअल की प्रॉपर्टी इनकम में चार आपके पास डिफरेंट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम शामिल किए जाते हैं फर्स्ट इज सेट टू बी प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम लीज और रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम लीज़ और रेंटल लीज से या रेंटल से जो आपके पास प्रॉफिट अर्न होता है जो आप रेंट रिसीव करते हैं वो आपके लिए प्रॉपर्टी इनकम है सेकंड प्रीमियम रिसीव ऑन ग्रांट ऑफ शॉर्ट लीज शॉर्ट लीज देने पे अगर आप जो लम सम अमाउंट एज प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आपके पास प्रॉपर्टी इनकम में शामिल की जाएगी शॉर्ट शॉर्टली मीन्स शॉर्ट लीज मीन्स लीज पीरियड जिस भी लीज एग्रीमेंट का 50 ईयर से कम है वो आपके लिए शॉर्ट लीज पीरियड कंसिडर किया जाता है थर्ड इज़ प्रॉफिट फ्रॉम कमर्शियल लेटिंग ऑफ फर्निश होलीडे अकोमोडेशन को लैट आउट किया जाए बिजनेस के तौर तो उससे जो इनकम कोई रूम आपने लैट आउट किया है तो उसका रेंट कैसे असेस किया जाएगा ये भी आपके पास इसमें प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाता है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द बेसिस ऑफ असेसमेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट प्रॉपर्टी इनकम के लिए कैश बेसिस है अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है यू हैव नॉट बिन मेंशन दैट कि प्रॉपर्टी इनकम को कैश बेसिस पे असेस करना है या एक्रल बेसिस पे असेस करना है तो आप उसे कैश बेसिस पे असेस करेंगे दिस इज बाय डिफॉल्ट अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि इस क्वेश्चन में आपको इनकम को ए्रोल बेसिस पे असेस करना है तब तक आप उसे कैश बेसिस पे ही असेस करेंगे अब इसमें कंसिडर क्या किया जाएगा वॉट एवर अमाउंट ऑफ इनकम यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टैक्स ईयर वही आपकी रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी और जो अमाउंट आपने पे की है एज एक्सपेंसिस फॉर ड्राइविंग सच इनकम जैसे कि इनकम रेंटल इनकम ड्राइव करने के लिए हम उसे अपनी बिल्डिंग को रिपेयर कराते हैं उसको लेट आउट करने के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए समाइम लोन दिया जाता है तो इस हवाले से हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाएंगे जो इस टैक्स ईयर के दौरान पे किए गए सो व्हाट इज़ दैट रेंटल इनकम जो आपने रिसीव की है उसमें से जो रेंटल एक्सपेंसेस पे किए हैं वो डिडक्ट करेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम आएगी जो एसेसबल है राइट नाउ अबाउट द अलाओबल डिडक्शन यानी वो डिडक्शन की जो आपकी रेंटल इनकम को रिड्यूस कर देंगी रिमेंबर किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसकी इनकम का लेस होना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है लेस अमाउंट ऑफ इनकम पे उसे लेस टैक्स पे करना पड़ेगा तो जो भी उसने इनकम ड्राइव किया है उसमें से उस इनकम को ड्राइव करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस पे किए गए हैं दैट शुड बी डिडक्टेड एंड द नेट इनकम इज टू बी एसेस्ड अब उन अलाउबल डिडक्शन के हवाले से पहली बात जनरल रूल की द एक्सपेंसिस मस्ट बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परपज़ ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस मुकम्मल तौर पे बिज़नेस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए अगर वो एक्सपेंस खर्च किए जा रहे हैं तभी वो अलाउेबल एक्सपेंस कंसिडर किए जाएंगे इसमें एग्जांपल आ जाती है एडवर्टाइजमेंट कि हम लेट आउट करने के लिए बिल्डिंग को लेट आउट करने के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई जाती है एजेंट आप रखते हैं ताकि वो डिफरेंट प्रॉपर्टी से डिफरेंट लोकेशन में जा रेंट कलेक्ट करे तो उस एजेंट की फ़ी जो है वो आपके लिए एक्सपेंस है बिल्डिंग को रिपेयर कराया जाता है ये आपके लिए अलाएबल एक्सपेंस है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर और इम्प्रूव द बिल्डिंग राइट बट इट इज़ मैंशन इन डिफरेंट कलर बिकॉज आपके पास इसके लिए अलाउबल डिडक्शन के लिए आपकी ट्रीटमेंट बाकी अलाउेबल डिडक्शन से डिफरेंट है Another important point this interest on loan to acquire or improve the non-residential property is said to be your allowable deduction now relief is available if expenses incurred before letting commence. अगर पे देने से पहले भी आपने को् expenses खर्च हैं तो उनके लिए भी relief available है but private use expense is not allowable कोई भी private use expense allowable नहीं है. अब हम इस सिलसिले में कि कैश बेसिस को कैसे ट्रीट किया जाता है कैसे इनकम को असेस किया जाता है इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं टॉम अ प्रॉपर्टी दैट वॉज लेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट जुलाई 2022। तो फर्स्ट टाइम ये कब लेट आउट की गई ये फर्स्ट जुलाई 2022 को लेट आउट की गई रेंट ऑफ 6000 पर एनम पीए पर एनम इस पेड क्वार्टरली इन एडवांस मीन्स जो भी टेनेंट है वो उस रेंट को क्वार्टरली बेसिस पे पे कर रहा है हर तीन महीने बाद यह रेंट पे किया जा रहा है ऑन द फर्स्ट ऑफ मंथ मीन्स के हर तीन महीने बाद जो आपके पास क्वार्टर चेंज होता है तो उसका जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ है उसको पेमेंट की जाएगी टॉम पेड अलावेबल एक्सपेंसिस ऑफ टू हंड्रेड पाउंड्स इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिलेटेड टू रीडेकोरेन फॉलोइंग द बर्स पाइप तो ये जो 200 के एक्सपेंसेस हैं ये दिसंबर 2022 में पे किए गए हैं एंड आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम सिक्स अप्रैल 22 टू टू फिफ्थ अप्रैल 23 तो इसका मतलब है ये अमाउंट इसी साल के दौरान पे की गई है एंड ऑफ 400 पाउंड्स इन मे 23 अब मे 23 में जो अमाउंट पे की गई है वो कैश बेसिस को अगर हम फॉलो करें तो कैश बेसिस के मुताबिक वो करंट ईयर में नहीं आती दैट इज़ रिलेटेड टू रिपेयर वर्क विच वॉज कम्प्लीटेड इन मार्च ट्वेंटी थ्री नो डाउट काम आपके पास मार्च ट्वेंटी थ्री से रिलेटेड है काम आपके पास जो भी रिपेयर वर्क किया गया है वो मार्च ट्वेंटी थ्री से रिलेटेड है बट हम कैश बेसिस को जब फॉलो करते हैं तो ये कंसिडर नहीं करना कि काम किस टैक्स ईयर से रिलेट करता है वी हैव टू कंसिडर दैट अमाउंट कब पे की गई है

और क्वार्टरली बेसिस पे आप ये अमाउंट एडवांस में रिसीव कर रहे हैं अगर टेनेंट पे कर रहा है तो आप रिसीव कर रहे हैं तो फर्स्ट आप तो आपके पास क्वार्टर की जो इनकम आप रिसीव करेंगे ये फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी टू को रिसीव करेंगे दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी टू इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आता है अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड डेट बन जाती है फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी टू थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन क्वार्टर थ्री मंथ्स का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा देन आपके पास आ जाएगी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री की डेट एंड देन थ्री मंथ्स आफ्टर इट इज़ फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री यू आर यू हैव बिन आज टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर द टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री कब स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है सिक्सथ अप्रैल ट्वेंटी टू को और एंड होता है फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी को राइट सो इफ़ यू कंसिडर दैट ऑल दीज फोर डेट्स लाइज इन दिस पर्टिकुलर टैक्स ईयर ये चारों डेट्स आपके पास इसी टैक्स ईयर के दौरान आती हैं यानी आपने जो टोटल इनकम रेंटल इनकम रिसीव की है वो चारों क्वार्टर में जो अमाउंट रिसीव की वो सारी की सारी आपकी रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी बिकॉज ऑन रिसिप बेसिस हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या हमने इस टैक्स ईयर के दौरान ये अमाउंट रिसीव की है या नहीं सो एज़ आवर टैक्स ईयर स्टार्ट फ्राम सिक्स अप्रैल ट्वेंटी टू एंड्स ऑन फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी थ्री तो ये आपके पास फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी टू फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी टू फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री और फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री चारों डेट्स आपके पास कब आती हैं ये आती हैं आपके पास इसी टैक्स ईयर के दौरान राइट सो दैट इज वाई आपके पास ऑल इनकम इज कंसिडर टू बी द करंट ईयर इनकम द इनकम इज सिक्स थाउजेंड पर एन एम इनकम आपके पास क्या मैंशन की गई है सिक्स थाउजेंड पर एन एम इफ इट इज सिक्स थाउजेंड पर एन एम तो आपके पास हर क्वार्टर में आपने कितनी अमाउंट रिसीव की होगी फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टीन हंड्रेड सो द टोटल रेंटल इनकम वुड बी थाउजेंड ये सिक्स थाउजेंड की टोटल रेंटल इनकम है आपकी और रेंटल एक्सपेंसेस या अलाबल डिडक्शन आप कुछ भी कह लें से वो आपके पास सिर्फ टू हंड्रेड रिकॉर्ड किए जाएंगे ओनली टू हंड्रेड सो बिकॉज ओनली दीस टू हंड्रेड हैव बिन पेड ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर सिर्फ इस टैक्स ईयर में जो अमाउंट पे की गई है दिसंबर 22 में वो ये 200. हंड्रेड दिस फोर हंड्रेड ऑफ अमाउंट हैज़ बीन पेड इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर ये पे की गई है मे में जो कि नेक्स्ट टैक्स ईयर की डेट आती है सो दैट इज़ वै इट इज़ नॉट टू बी कंसीडर्ड. सो योर असेसिबल इनकम फॉर दिस टैक्स ईयर इज असेबल प्रॉपर्टी इनकम इनफैक्ट ट इज़ फिफ्टी एट हंड्रेड पाउंड राइट एंड जहाँ तक एक्रोल बेसिस की बात है एक्रोल बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं इनविजुअल लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है फर्स्ट बात ये की, की जा रही है कि इफ़ एन इनविजअल हैज कैश बेसिस रिसप्ट एंड देट एक्सीड वन लैक फिफ्टी थाउजेंड तो तब वो एक्ल बेसिस यूज़ कर सकते हैं दैन इंडिजुअल मस्ट यूज़ द एक्रेसिस इफ़ कैश बेसिस रिसिप्ट फॉर द टैक्स ईयर एक्सीड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सो इट इज़ मस्ट यूज़ क्या आपके पास एक इंडिविजुअल लाजमी यूज़ करेगा कैश बेसिस कि अगर उसकी रिसिप्ट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से एक्सीड कर जाती हैं राइट इट इज़ रिड्यूस प्रोपोशनेटली इफ द प्रॉपर्टी बिजनेस इज़ नॉट कैरीडाउन फॉर अ फुल टैक्स ईयर अगर आपको प्रॉपर्टी इनकम पूरे टैक्स ईयर के लिए हासिल नहीं हुई नाइन मंथस के लिए हासिल हुई है तो प्रोपोर्शनेटली इसे रिड्यूस करके देखेंगे लाइक इफ द इनकम इज फॉर नाइन मंथ्स पीरियड आपको ये वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करके देखना है आई थिंक सो इट वी वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज़्यादा अगर आपकी कैश रिसिप्ट हो, तो तब आप एक बेसिस फॉलो करेंगे इफ़ द पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर द प्रॉपर्टी इनकम इज नाइन मंथ्स एन इंडिविजुअल कैन एलेक्ट टू यूज द एल बेसिस the election must be made by 31st January which is 22 month from the end of the tax year तो so, अगर आपके पास आप tax year 22 23 की बात करें तो ये tax year आपका end होता है 5th April 23 को और 5th April 23 के बाद 22 months period elapse हो जाए expire हो जाए तो आपके पास date आती है 31st January 25 सो so, अगर इंडिविजुअल एक्ल बेस एलेक्ट करना चाहता है यूज करना चाहता है तो ही मस्ट नोटिफाई दिस इलेक्शन बाय थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉइंट दैट कैन बी आस इन द एम सी क्यू एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि जिसमें हम कैश बेसिस एज वेल एज एक्रूल बेसिस दोनों हवाले से इनकम को कंसिडर करेंगे लैंड ओन्स अ फ्लैट विच ही लेट्स आउट फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू तो उसने कब लैट आउट किया फ्लैट फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू को रेंट इज पेबल क्वार्टरली इन एडवांस पेमेंट्स आर मेड बाय टेनेंट एज फॉलोस तो पेमेंट डेट फर्स्ट मार्च को उसने ट्वेंटी टू को थ्री थाउजेंड की पेमेंट की फर्स्ट जून को उसने पेमेंट की थ्री थाउजेंड की फर्स्ट सेप्टेम्बर को भी थ्री थाउजेंड फर्स्ट दिसंबर को भी थर्टी सिक्स हंड्रेड अमाउंट चेंज होगी इंक्रीज होगी थर्टी सिक्स हंड्रेड होगी एंड फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री को अगेन थर्टी सिक्स हंड्रेड ऑल द पेमेंट आर मेड ऑन टाइम अपार्ट फ्राम द फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री पेमेंट विच वॉज नॉट पेड अंटिल टेंथ अप्रैल तो आखिरी पेमेंट जो फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री को ड्यू थी ये थर्टी सिक्स हंड्रेड की पेमेंट दैट वॉज मेड ऑन टेंथ अप्रैल ट्वेंटी थ्री राइट सो इन केस यू हैव टू कंसिडर द कैश बेसिस वट इज योर इनकम कोई एक्सपेंस नहीं बताया सिर्फ हमने इनकम कंसिडर करनी तो अगर हम कैश बेसिस कंसिडर करें तो कौन सी अमाउंट आपके लिए रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी सो रेंटल इनकम वुड बी द अमाउंट दैट इज टू बी रिसीव इन बिटवीन टैक्स ईयर टैक्स ईयर आपके पास स्टार्ट होता है फ्रॉम सिक्स अप्रैल 22 टू टू फिफ्थ अप्रैल 23. तो so, इस पीरियड के दौरान जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया फर्स्ट हमने पेमेंट रिसीव की फर्स्ट मार्च 22 को ये फर्स्ट मार्च 22 टू सिक्स अप्रैल ट्वेंटी से पहले की डेट है सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर कैश बेसिस परपज फर्स्ट जून की पेमेंट जो रिसीव की ये आपके पास इसी टैक्स ईयर के दौरान आती है सो इट इज़ टू बी इंक्लूडेड फर्स्ट सेप्टेम्बर को जो थर्ड पेमेंट रिसीव की इट इज़ ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड फर्स्ट दिसंबर को जो पेमेंट रिसीव की ये भी इंक्लूड है नाउ अबाउट फर्स्ट मार्च 23 इस पेमेंट को इंक्लूड तो होना चाहिए था बट एज दिस पेमेंट हैज़ बिन डिलेड बाई टेंथ अप्रैल 23 तो टेंथ अप्रैल को ये अमाउंट रिसीव की जा रही है आपका टैक्स ईयर फिफ्थ अप्रैल को एंड हो चुका है तो इसका मतलब है इस टैक्स ईयर के एंड होने के बाद ये अमाउंट रिसीव की गई है सो इट इज ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर फॉर टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सो ओनली दिस थ्री इनकम इज टू बी कंसिडर थ्री थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स हंड्रेड

हमें ये कंसिडर करना है कि इस साल के हाले से वट एवर अमाउंट इज रिस फॉर अस इज़ सेट टू तो बी आवर इनकम सो so, हमारे पास हम फर्स्ट अगर हम देखें पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट मार्च 22 की इस फर्स्ट मार्च 22 की पेमेंट जो हमने रिसीव की है एडवांस में रिसीव की है दैट बिलोंग्स टू थ्री मंथ्स पीरियड मार्च अप्रैल एंड मे मार्च अप्रैल एंड मई तीन महीने के लिए हमने ये अमाउंट रिसीव किए अब थ्री मंथ्स के लिए हमने अमाउंट रिसीव की है बट टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग सिर्फ अप्रैल और मई की इनकम आपकी करंट ईयर की इनकम कंसिडर की जाएगी सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट थ्री थाउजेंड ऑफ इनकम दैट हैज बिन रिसीव्ड ऑन फर्स्ट मार्च टू मंथ्स इनकम इज टू बी कंसिडर्ड ऑन एक्रूट बेसिस सो इट विल बी टू थाउजेंड दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन आवर रेंटल इनकम सेकेंड जो हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव की फर्स्ट जून 22 को ये हमने रिसीव की है जून जुलाई अगस्त 22 के लिए ऑल दीज थ्री मंथ्स बिलोंग्स और लायस इन द करंट टैक्स ईयर सो ये 3,000 आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी सेम इज फॉर द इंस्टॉलमेंट दैट इज रिसीव ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर ट्वेंटी दिस इज थ्री अगेन दैट इज फॉर द पीरियड सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर

बट आल दो द अमाउंट देट हैज बिन दैट हैज़ टू बी रिसीवड ऑन फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ऑल दो इट हैज़ बिन रिसीव ऑन टेंथ अप्रैल बट इन एक्रोल सिस्टम वट एवर अमाउंट इज रिस फॉर एस इज़ अवर इनकम जो भी अमाउंट हमारे लिए रिसीबल है वही हमारी इनकम है तो मार्च के मंथ का रेंट एक महीने का रेंट हमारी इनकम कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो इसी टैक्स ईयर में शामिल होता है सो दैट इज वे उस थर्टी सिक्स हंड्रेड में से जो कि हमें मार्च ट्वेंटी को रिसीव करना था सिर्फ मार्च का ही रेंट हम इस साल की असेसबल इनकम में शामिल करेंगे एंड दैट विल बी 1200 हंड्रेड सो आफ्टर टोटलिंग दिस टू थ्री फाइव एट अलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड इज सेट टू बी योर इनकम असेसबल इनकम इन अकॉर्डेंस वोल बेस तो अगेन समझ ली बात कि एक्रुल बेसिस में जो भी अमाउंट आपके लिए रिसिबल है वही आपकी इनकम कंसिडर की जाती है राइट right? नो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास अलावल डिडक्शन में जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके इनकम में से लेस कर दिए जाते हैं लेकिन इन केस ऑफ इंटरेस्ट इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है ये एक्चुअली आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है टैक्स लाइबिलिटी को नॉट इनकम तो इनकम के बजाय फाइनेंस कॉस्ट जो भी पे की जा रही है इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी पे की जा रही है इट विल रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी लेकिन कितनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा दैट इज़ द रेट ट्वेंटी परसेंट कि जितनी भी आपके पास इंटरेस्ट की कॉस्ट पे की गई है उस इंटरेस्ट की कॉस्ट का ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी। सो हेयर फाइनेंस कॉस्ट टैक्स रिड्यूसर इट इज़ नोन एज टैक्स रिड्यूसर टैक्स रिलीफ इज गिवन ऑन लेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फाइनेंस कॉस्ट एट द बेसिक रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट बाई डिडक्शन फ्रॉम द टैक्स पेयर्स फाइनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी राइट नो पार्ट ऑफ लोन फाइनेंस कॉस्ट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस ऑफ द प्रॉपर्टी बिजनेस तो उसे अलाउ नहीं किया जाता कि यह आपके लिए एक्सपेंस है एक्सपेंस के तौर पर एसेसबल इनकम रेंटल इनकम में से इसे डिडक्ट नहीं किया जाता इन फैक्ट इसे क्या किया जाता है इसे कॉस्ट टैक्स रिड्यूसर के तौर पर टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस किया जाता है नो एग्ज़ाम्पल फॉर दैट Millie bought a house on 6th April 22 and let it out throughout the tax year 22 23. At a monthly rental of 1500, which she received in full by 5th April 23. So, she bought the house with a mortgage loan and in 22 23 she made capital repayment of 1000. ड्रेड फॉर ट्वेंटी थ्री सो उन्हें उन्होंने आपको लाइवल एक्सपेंसेस सारे बता दिए अपार्ट फ्रॉम दिस उसने जो लोन लिया था उसके हवाले से उसने कैपिटल रीपेमेंट किया है कैपिटल रिपेमेंट का क्या मतलब है उसने लोन रीपे किए लोन वापस किया लोन वापस करना लाइबलिटी में रिडक्शन होता है एक्सपेंस नहीं होता हाँ उसने इंटरेस्ट पे किया फोर थाउजेंड मिली हैड अदर टैक्सीबल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ हर पर्सनल लोन्स ऑफ सिक्सटी थाउजेंड इन द टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अब ये मिली की टैक्सीबल इनकम सिक्सटी थाउजेंड बताने का मकसद क्या है ये बताने का मकसद है कि मिली जो है वो हायर रेट टैक्स पेयर है राइट बिकॉज यू नो दैट थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड से ज़्यादा जिस भी पर्सन की इनकम हो उस पर हायर रेट पर यानी फोर्टी परसेंट पे टैक्स इम्पोज किया जाता है कंप्यूट Millie's income tax liability in respect of her property income for the tax year 2022. So first, we have to calculate the rental income. As rental income is 1500 per month, and for the period of 12 months, pure 12 income kitni 1500 into 12. So it is, I think, so 18,000. 18,000 is the income.

this is 15,500. Now carefully read the requirement again. Compute Millie's income tax liability in respect of her property income. हमें उसकी पूरी tax liability नहीं बतानी. So this is very important कि आपके question की requirement को properly address करना आना चाहिए. तो अगर question की requirement में property business से जो income हासिल हो रही है, उस पे tax liability calculate करना है, तो आपने सिर्फ उसी पे tax liability calculate करना. है। आपने सिक्सटी थाउजेंड की इनकम जो उसकी है फ्रॉम अदर सोर्सेज उस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी बिकॉज यू हैव बिन क्लियरली स्टेटेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से जो उसकी इनकम है उस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है सो प्रॉपर्टी इनकम इज फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी we हैव टू compute टैक्स ऑन दिस इनकम ऑफ 15,500 at the rate एट द रेट ऑफ फोर्टी परसेंट अब ये मकसद था उनका कि प्रॉपर्टी इनकम पे जब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है तो किस रेट पे करेंगे इधर 20 परसेंट और 40 परसेंट तो इसी मकसद के लिए उन्होंने 60,000 की उसकी इनकम ये मेंशन की है राइट दैट वी नो दैट अगर सिक्सटी एक परसेंट की इनकम है तो उस पर उसे हायर रेट टैक्स पे करना है So that is why on this fifteen thousand five hundred you have to compute tax at the rate of forty percent. So this is sixty two hundred. So sixty two hundred tax liability. Yes, its tax liability, but this tax liability is to be reduced by the interest payment of four thousand. Because interest payment, the finance cost, to pay. it acts as a tax reducer. टैक्स रिड्यूसर के तौर पे एग करेगी सो वट एवर अमाउंट शुड बी डिडेक्टेड फ्रॉम देयर दिस इज इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज फोर थाउजेंड उसका ट्वेंटी परसेंट जो है आपके लिए टैक्स रिड्यूस कर दिया जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स सो फोर थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट एट हंड्रेड आएगा सो दिस एट हंड्रेड शुड बी सब्टेक्टेड फ्रॉम हेयर एंड यू विल गेट द नेट अमाउंट पेबल बाय दैट परसन मिली एज 5400 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम सो दैट इज द टैक्स शी हैज़ टू पे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम राइट ना अबाउट कार्स अ लैंड लॉड कैन चूज टू यूज ईदर एनअल मोटरिंग एक्सपेंसिस इनकर्ड कि जितने भी इसके मोटरिंग एक्सपेंसिस खर्च हुए हैं उन सबको वो अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकता है और द अप्रूव माइलेज अलाउंस जैसे कि सेम एम्प्लॉयमेंट इनकम के हवाले से है आपके पास वही आपके पास प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से भी है अप्रूव माइलेज अलाउंस को भी वो डिडक्ट कर सकता है फॉर मोटरिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन द प्रॉपर्टी बिजनेस आपके पास अलाउबल लिमिट्स क्या हैं सो दिस इज़ अगर फर्स्ट टेन थाउजेंड माइल्स ट्रेवल किया है तो अप्रूव माइलेज अलाउंस के मुताबिक ही कैन डिडक्ट एज अलाउबल एक्सपेंसिस 45 फाइव पैनीस पर माइल यानी अगर उसने 8,000 माइल्स ट्रेवल किया है तो 8,000 को आप 45 पैनी से मल्टीप्लाई कर दें सो so दिस इज 3,600, 3,600 की अमाउंट वो डिडक्ट कर सकता है एज अलाओबल एक्सपेंसेस, एज अलाउबल मोटर एक्सपेंसेस। सो फर्स्ट 10,000 थाउजेंड माइल्स ट्रेवल करने के हवाले से अप्रूव माइलेज अलाउंस 45 फाइव पैनी पर माइल है एंड अवर 10000 थाउजेंड माइल्स यानी अगर उसने मोटरिंग के हवाले से जो ट्रैवलिंग की है वो दस हज़ार माइल से ज़्यादा की है सो so, दस हज़ार माइल से ज़्यादा जो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस पर अप्रूव माइलेज अलाउंस ट्वेंटी फाइव पैनीस पर माइल है सो दिस इज़ टू बी रिमेंबर रूल नेक्स्ट इज अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर एंड अदर डोमेस्टिक आइटम तो रिप्लेसमेंट आपके पास अलाउेबल एक्सपेंस है फर्स्ट टाइम अगर कोई फर्नीचर प्रोवाइड किया जाता है तो दैट इज़ नॉट अलाउबल बट लेटर ऑन अगर उसको रिप्लेस किया जाता है तो दैट इज सेट टू बी अलाउबल एक्सपेंस बट उसके हवाले से कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि सेम क्वालिटी और सेम कैपेसिटी का एसेट अगर रिप्लेस किया जा रहा है देन इट इज़ अलाओबल अदरवाइज नॉट राइट नो रिलीफ इज गिवन फॉर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फर्नीचर इन आट प्रॉपर्टी

विच बिकम द पार्ट ऑफ़ प्रॉपर्टी जैसे कि रेडिएटर तो उन पे ये प्रोवाइड नहीं किया जाता द अमाउंट ऑफ रिलीफ कैसे हम रिलीफ की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इट इज सेट टू बी कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिप्लेसमेंट एसेट जितने भी अमाउंट का आपने वो रिप्लेसमेंट एसेट खरीदा या जितनी भी अमाउंट आपने स्पेंड किया रिप्लेसमेंट एसेट उस कॉस्ट में से नैट डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ ओल्ड एसेट लेस कर दें लाइक नया बेड प्रोवाइड करने से पहले पुराना बेड जो है वो सेल कर दिया गया तो वट एवर इज द सेल प्रोसीड ऑफ द ओल्ड बेड इज टू बी डिटेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू बेड सेम इज द केस ऑफ कि अगर आपके पास न्यू किचन वेयर प्रोवाइड किया जा रहा है इन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड किचन वेयर सो ऐसी सूरत में अगर पुराना किचन वेयर सेल किया जाता है तो सेल प्रोसीड ऑफ दैट पर्टिकुलर किचन वेयर इज टू बी सब्ट्रेक्टेड नेट डिस्पोजल प्रोसीड क्या है इट इज सेट टू बी डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल समटाइम पुराने एसेट को सेल करने के लिए हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ सकती है कोई एजेंट को फी पे करनी पड़ सकती है तो इन दैट केस डिस्पोजल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस कर दें तो नेट डिस्पोजल प्रोसीड आ जाती है रिलीफ इज़ प्रोवाइडेड ऑन कॉस्ट ऑफ इक्वलेंट एसेट उसी जैसे एसेट के हवाले से रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है लाइक इफ अ सिंगल बेड इज रिप्लेस विद डबल बेड ओनली द कॉस्ट ऑफ इक्वलेंट सिंगल बेड इज गिवन एज रिलीफ तो सिर्फ सिंगल बेड की कॉस्ट रिलीफ के तौर पर प्रोवाइड की जाएगी अपार्ट फ्राम दिस अगर वॉशिंग मशीन जो है वो रिप्लेस की जा रही है वॉशियर ड्रायर के साथ तो सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन की कॉस्ट जो है रिप्लेसमेंट कंसिडर की जाएगी नॉट द कॉस्ट ऑफ ड्रायर सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट नो एग्जाम्पल एंड ई लेट्स अफर्निश कॉटेज एट एन एनअल रेंट ऑफ फोर्टी एट हंड्रेड राइट एनुअल रेंट उसका फोर्टी एट हंड्रेड है पेबल मंथली इन एडवांस शी इन दर इन जून ट्वेंटी मशीन विद सिमिलर स्टैंडर्ड थ्री हंड्रेड सो वो जो है ना रिप्लेसमेंट आपके पास अलाउेबल है थर्ड डिश वॉशर सो लेट सी वेदर दिस डिश वॉशर इज फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड और रिप्लेस्ड क्योंकि रिप्लेसमेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ सो तो इसलिए हम इसे कंसिडर करेंगे मे ट्वेंटी थ्री डीडेकोरेशन वर्क कंप्लीटेड इन फेबर ट्वेंटी टू अमाउंट उसकी आ रही है हंड्रेड ओल्ड टेनेंट हैज नॉट पेड द रेंट ऑफ जून ट्वेंटी टू पुराने किराएदार ने जून ट्वेंटी टू का रेंट पे नहीं किया था एंड ई लेट द प्रॉपर्टी टू न्यू टेनेंट फ्रॉम जुलाई एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ वन थाउजेंड और नए किरायेदार से उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया वन थाउजेंड सो दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंटल इनकम ये पॉइंट याद रखना है ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंड लॉन्ड रिसीव करता है दैट इज सेट टू बी रिपेबल तो रिपेबल है ये उसकी इनकम नहीं है सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम ओल्ड कारपरेट हैज़ नो वैल्यू डिश वॉशर वॉज नॉट प्रीवियसली प्रोवाइडेड और कॉरपोरेट की कोई वैल्यू नहीं है तो नथिंग इज़ टू बी डरेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बिकॉज हम देख चुके हैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में से अगर ओल्ड एसेट रिप्लेस किया सेल किया जाए तो उसकी सेल प्रोसीड लेस कर दी जाती है बट ऐसा नहीं है ओल्ड आउटपिट की कोई वैल्यू नहीं है डिश वॉशर वॉज नॉट प्रीवियसली प्रोवाइडेड तो डिश वॉशर अलाएबल नहीं है क्यों नहीं अलाएबल क्योंकि प्रीवियसली प्रोवाइड नहीं किया गया था फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड एसेट पे कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जाता अपार्ट फ्रॉम दिस एंडी ड्रोव टू हंड्रेड माइल्स इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी बिजनेस इन द टैक्सी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड क्लेम्ड ए एम ए एम ए स्टैंड फॉर अप्रूव माइलेज अलाउंस सो यू हैव टू कैलट द प्रॉपर्टी इनकम फॉर द टैक्सी थ्री सो वी नीड टू कंसिडर व रेंटल इनकम टू बी रिकॉर्डेड तो रेंटल इनकम क्या रिकॉर्ड की जाएगी सो रेंटल इनकम आपके पास एक महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ तो वट एवर अमाउंट यू है इनकम तो फोर्टी एट हंड्रेड अगर आपके पास पूरे साल की इनकम है आपने एक महीने की इनकम रिसीव नहीं की इट मीन्स अलेवन मंथ की इनकम रिसीव किया है सो दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एज फोर्टी फोर हंड्रेड हम नाउ सबसे सब पहले रिप्लेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अलाउबल है अलाउबल एक्सपेंस है सो वी हैव टू डिडक्ट द अलाउबल एक्सपेंसेस। अलाओबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ कॉर्पेट तो रिप्लेसमेंट ऑफ कॉर्पेट के हवाले से हाउ मच कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड 200 200 कॉस्ट इनकर्ड हुई है सो दैट इज़ अलाओबल एंड देन यू हैव रिप्लेसमेंट ऑफ सेकंड थिंग इज वॉशिंग मशीन सो वॉशिंग मशीन भी अलाउेबल है थ्री हंड्रेड देन आफ्टर दैट वी हैव बिन गिवन द डिश वॉशर, दैट इज़ नॉट अलाउबल बट आप उसे मैंशन करेंगे यहाँ पे डिश वॉशर को और इसके आगे मैंशन कर देंगे जीरो दैट नथिंग इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अलाउबल एक्सपेंस इनस्पेक्ट ऑफ डिश वॉशर सेम इज़ द केस ऑफ रीडेकोरेन बिकॉज हमने कैश बेसिस को फॉलो करना है अमाउंट पे की गई है मे ट्वेंटी थ्री में सो दैट इज़ नॉट दैट नॉट लाइज इन दिस टैक्सीयर सो दैट इज़ माई रीडेकोरेशन आपके पास अलाओबल एक्सपेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा देन वी हैव सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसके मतलब मैंने बात की कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी आपकी इनकम नहीं होती सो दैट इज वैसे मैंशन भी करने की ज़रूरत नहीं है देन अप्रूव माइलेज अलाउंस टू हंड्रेड माइल उसने ट्रेवल किया है और पर माइल उसके फोटी फाइव पैनीज के हवाले से कितनी अमाउंट अलाएबल कंसिडर की जाएगी दैट इज़ फोटी फाइव पैनीज मैंशन देअर सो टू हंड्रेड इंटू फोटी फाइव पैनीस गिवज़ यू अप्रूव माइलेज अलाउंस इज सेट टू बी 200 multiplied by 45 pennies that is 90. So this 90 is also allowable. So you have to deduct 590 from 4400 and hence your accessible income would be 3810. This is said to be your accessible income. So we will continue from here in the next part of property income.